हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आज मैं बनाने वाली हूँ देसी स्टाइल में मशरूम का सब्जी, जो आप लोग नॉनवेज मटन सब भूल जाइए खाना, इतना टेस्टी लगने वाले है ये। तो सबसे पहले हम दो फ्रेश मशरूम लेंगे और इसे हम सारा, ये पन्नी है इसका कवर किया हुआ ना, इसका कट करके सारा हम इसको निकाल लेंगे, पन्नी को हटा देंगे। और देख लेंगे फ्रेश मशरूम ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो चलिए इसको हम सारे एक बर्तन में रख लेंगे और सारे मशरूम को इस बर्तन में डाल देंगे। जो थोड़ा थोड़ा मिट्टी है ना, इसको अच्छे से धोना है, कम से कम 4-5 पानी से इसको हम धोएंगे अच्छे से, हाथ से हल्के हाथे से इसको मल मल के इसको धोएं। चलिए इसको हम पानी फेंक देंगे, फिर दोबारा इसको 2-4 बार धोएंगे। तो देखिए हम धो लिए, अच्छे से फ्रेश हो गया है। इसे अब हम कट कर लेंगे। अगर बड़ा मशरूम है तो इसको हम 4 भाग करेंगे, अगर छोटा है तो 2 भाग करिएगा। इसे इसी तरह से सारा मशरूम को हमको कट करना है। अब बहुत अच्छा लगता है ये मशरूम खाने में। तो देख रहे हो सारा मशरूम हम कट कर लिए हैं। तो चलिए इसको अब हम साइड में रख देंगे और इसका हम मसाला का तैयारी करते हैं। मसाले में लिए हैं साबुत धनिया, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च, लौंग 2, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी। इस सारे चीजों को हम अच्छे से भून लें, तेजपत्ता भी डाले हैं। इसे खुशबू होने तक इसको अच्छे से भूंज लें। अब चलिए मसाला को निकाल के हम ठंडा होने देते हैं। हम कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डालें, इसमें टमाटर लिए हैं 2 और 4 प्याज और लहसुन। इस सारे चीजों को इसमें हम डाल देंगे और इसमें प्याज और टमाटर को गलने तक भूंजेंगे। ज्यादा इसको हम ब्राउन प्याज नहीं करना है, इसको हम थोड़ा गलने तक प्याज को भूंजना बस। तो देखिए प्याज और टमाटर तो अच्छे से गलने लगे हैं, गल भी गया है। इसको हम चलिए एक जार में निकाल लेते हैं। सारा जार में निकालिए, इसे मसाला को हम ठंडा होने देते हैं। अब चलिए इसको मसाला को पीस लेते हैं। जैसे हम बोले पिछले वीडियो में कि सिलपट्टे का मसाला बहुत टेस्टी लगती है, तो हम ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि सिलपट्टा में ही पीसने का, मिक्सी हम कम यूज करते हैं मसाले के लिए, और बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो चलिए इसको हम पीसते हैं मसालों को। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे महीन बारीक पेस्ट बना ले, पीस ले मसालों को। देख रहे होंगे हम पीस लिए, तो हम बारीक पीस लिए इसको। अब चलिए इसको हम उठा लेते हैं बर्तन में मसाला को। अब चलिए फिर से सेम कढ़ाई में हम 2 चम्मच फिर से हम सरसों तेल डालें सर, इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे तड़के के लिए, और जो प्याज टमाटर लहसुन जो पीसे हैं इसमें डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से भूंजेंगे मसालों को, कम आंच करके ही मसाला का भूंजे। अब हम लेंगे इसमें मसाला में हल्दी पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च 1/2 चम्मच और कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच लेना है, स्वाद अनुसार नमक। ये सारे मसालों को अच्छे से भूंजना है आप लोग को। अब जो मसालों को हम पीसे थे भूंजा हुआ मसाला सब इसमें हम अब डाल देंगे। अब पूरा वीडियो अंत तक देखिए, पूरी रेसिपी तो समझ में आती है। अभी सारे मसालों को हम अच्छे से भूंजेंगे। थोड़ा सा हम ढक करके मसाला को भूंजेंगे। देख रहे होंगे मसाला अच्छे से भूंज गया, तेल भी छोड़ दिया साइड में। और ज्यादा देर हम मसाला को भूंजेंगे नहीं, क्योंकि मसाला हम भूंज के ही डाले हैं। अब इसमें जो मशरूम कट करके कट किए हैं, सारा मशरूम हम डाल देंगे इसमें। अब इसको आप मिक्स करें, मसाला को चलाएं अच्छे से। अब इसे हम ढक करके गैस को कम कर दें और इसे धीरे धीरे मसाला पकने दे मशरूम को। देख रहे होंगे पूरा पानी छोड़ दिया, इसमें पानी होता है, हम पानी इसमें नहीं डाले हैं इसलिए पानी इसमें हो गया है। देख रहे होंगे इसको भूंजेंगे हम थोड़ा देर और, अभी फिर से ढक देंगे। ढक करके इसी तरह से इसको मशरूम को भूंजते रहना है। देख रहे पूरा पानी सूख गया है, अब मशरूम अच्छे से भूंजा भी गया है। चलिए मशरूम तो बहुत अच्छे से भूंजा गया, अब इसमें डाल देंगे पानी। आप अपना ग्रेवी अपने हिसाब से डालें, पानी जितना आपको डालना है उतना डालें। देख रहे होंगे कितना अच्छे से दम ग्रेवी बना हुआ, गाढ़ा गाढ़ा दम। अब इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी,
एक छोटा चम्मच, अब इसे हम ढक दे के बॉयल होने तक पकने देंगे। देख रहे हो अच्छे से बॉयल हो गया है, ढक्कन हटा दिए हैं। अब इसको फिर से मिला ले, देख रहे हो बहुत खुशबू आ रही है, एकदम नॉनवेज जैसे इसमें खुशबू आ रही है। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा इस तरह से बनाने का। और अब चलिए इसको, मशरूम तो तैयार होगी, इसको हम प्लेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी मशरूम का रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरी बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय।